सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, टाटा पंच की बिकने की क्या रीज़न है, क्या ऐसे रीज़न है टाटा पंच के ज़्यादा सेल होने के? 2022 वाला मॉडल बहुत ज़्यादा तेज से सेल आउट हो रहा है, क्या रीज़न है? तो एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि टाटा पंच भाई यार, तुम टाटा पंच के वीडियो बनाते हो, टाटा पंच ही बोलते हो, कोई दूसरी चीज़ बताते नहीं हो, तो इसके सेल होने के कोई ऐसे रीज़न बता दो जिससे मैं भी बाई कर लूँ टाटा पंच को। तो आज मैं ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ टाटा पंच के, 4-5 रीज़न मैं बताऊंगा जिससे आपका बाइंग डिसीजन और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता तो यार वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है गाड़ी का, टॉल बॉय गाड़ी है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, SUV का फील आपको देगी, माइक्रो SUV के सेगमेंट में ये कार आती है, जैसे कि आप पूरा देख सकते हैं। एक वॉक अराउंड मैं आपको देता हूँ इस गाड़ी का। देखिए दोस्तों, फ्रंट से गाड़ी देखने में कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर आपको DRL सेफ दिखती है, पर यहाँ पर DRL नहीं है, हमारा एडवेंचर विद रिदम पैक वाला मॉडल है। तो इसमें आता है सिर्फ हैलोजन बल्ब लग के आता है यहाँ पर येलो कलर का, और नीचे है आपको मतलब सिंपल सी एक हेडलैम्प की यूनिट दी गई है। ये प्रोजेक्टर नहीं है, ये बेसिक हेडलैम्प है। अगर आप इससे ऊपर का मॉडल लेंगे तो उसमें आपको मिलता है प्रोजेक्टर यूनिट। और देख सकते हैं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस अप्रोच एंगल है काफ़ी बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस भी 187 mm की आती है। दोस्तों, तो दोस्तों गाड़ी को बाय करने का मेन रीज़न है इसका अप्रोच एंगल और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है। जब कोई भी बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है तो यार ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए आजकल व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता है, तो टाटा पंच एक ऑफ रोडर व्हीकल है, क्योंकि 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक कार आती है। मैं ऐसे बोलता हूँ ऑफ रोडर व्हीकल, और लोगों को और किसी की प्रेफरेंस का मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ हर जगह पर, हर ख़राब रास्ते पर मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है, सबसे पहला पॉइंट है। और गाड़ी माइक्रो SUV के सेगमेंट में आती है, ये हैचबैक गाड़ी नहीं है, SUV का फील आपको प्रॉपर देगी। गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, तीसरा सबसे जो अच्छा पॉइंट है हैंडलिंग गाड़ी की अच्छी है, तो आप किसी भी सड़क पे इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप, जो ट्विटर और स्पीकर का कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, ये आपको इतना मस्त कर देता है गाड़ी चलाते वक्त। आपको कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होगा, कोई भी रैकलिंग साउंड आपको अंदर केबिन के अंदर नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साउंड है यार, हर किसी चीज़ में साउंड होती है, बिना साउंड की क्या चीज़ है ये बताइए आप। अगर आप एक हॉर्न भी लगाते हैं ना, तो आप प्रेशर हॉर्न लगा दें ताकि आपको ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई दे, अगले बंदे को पता चले कि गाड़ी आ रही है, यार टाटा पंच के अंदर आवाज़ आ रही है, तो यार इसका मतलब है कि एक हैवी व्हीकल आपके सामने से गुजर रहा है। ये है टाटा पंच की खासियत। और टाटा पंच के अंदर आते हैं 4 वेरिएंट, जिसमें है प्योर रिदम, एडवेंचर रिदम, अकम्प्लिस डीजल पैक के साथ आता है, और क्रिएटिव आयरा पैक के साथ एक गाड़ी और मिल जाती है। इससे बन जाते हैं 8 वेरिएंट टोटल। वैसे सिंपल, अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका है प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिस और क्रिएटिव, 4 वेरिएंट आते हैं। 4 एडिशनल वेरिएंट कंपनी ने दे रखे हैं, जिससे आपको सहूलियत होगी और कुछ ज़्यादा फीचर एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो और गाड़ी का जो प्राइसिंग आपका लास्ट में होता है प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग पे ही बात अटकती है, लोग प्राइस के बिना गाड़ी को लेना पसंद नहीं करते हैं। इसका जो बेस मॉडल आता है प्योर वाला, वो आपको स्विफ्ट से भी सस्ता पड़ता है दोस्तों, स्विफ्ट के ही रेंज में या उससे 10-15-20 हज़ार रुपये नीचे ही आपको इसका वेरियंट मिल जाता है प्योर वाला। और प्योर वेरिएंट के अंदर आपको एक नेक्स्ट लेवल का फील आएगा अगर आप बाय करते हैं उसे, तो क्योंकि ये जो है ना हैचबैक से ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी है, तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा गाड़ी चलाते समय भी। आप ऊंचा बैठते हैं, सब चीज़ आपको अच्छी से दिखती है, बोनेट पूरा विजिबल होता है, नए ड्राइवर्स के लिए क्या चाहिए यार इससे ज़्यादा। और तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गाड़ी आपको खरीदनी है नहीं खरीदनी है, आपका बाइंग डिसीजन भी इससे मजबूत हो सकता है। जो लोग भी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से आप अगर इस गाड़ी को जज करते हैं तो आप इजीली गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।